देखिए कितनी अच्छी उड़द दाल की मसाला बड़ी बनकर तैयार हुई है। बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर घर पर कोई सब्जी नहीं है या फिर सब्जी खाने का मन नहीं है, हरी सब्जियां, तो इस तरह से बनी हुई सूखी उड़द दाल की बड़ी की सब्जी बनाइए आप, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। आज मैं आपके साथ उड़द दाल की मसाला बड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से जो मम्मी दादी नानी बनाया करती हैं, बिल्कुल वही टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए बनाते हैं उड़द दाल की मसाला बड़ी। उड़द दाल की बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसके लिए दाल भिगो कर रखनी है। हमने 5 घंटे पहले इस दाल को भिगोने रख दिया था। ये छिलके वाली दाल है, जब भी आप उड़द दाल की बड़ी बनाएं तो इस तरह से छिलके वाली दाल ही यूज़ करें। वैसे तो मार्केट में साफ बगैर छिलके वाली भी दाल आती है, लेकिन इस दाल की बड़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जब भी आप बड़ी बनाएं तो इस तरह से छिलके वाली दाल ही लें। हाँ, इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगती है इसे साफ़ करने में, लेकिन बड़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है इसकी। तो हम इसका छिलका निकाल लेंगे, इसे इस तरह से रगड़ते हुए हम इसका सारा छिलका निकाल लेंगे। हमें ऐसे इसे रगड़ लेना है। तो देखिए इसे थोड़ा रगड़ लिया है हमने, तो अब लेते हैं एक बड़ा सा बाउल और इसे इस तरह से हम निकाल लेंगे। ऐसे करके हम इसका छिलका निकाल लेंगे। ये देखिए इसे साइड में रखते हैं, इसमें थोड़ा पानी डालते हैं इस तरह से, फिर से थोड़ा रगड़ लेंगे और ऐसा कर करके हम इसका छिलका निकाल लेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से साफ कर लिया है इसे, छिलका निकाल लिया है इसका। थोड़ा बहुत छिलका रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लेते हैं एक छलनी इस तरह से, और हम दाल को इसमें निकाल लेंगे ताकि अच्छी तरह से इसका पानी निकल जाए। पूरी तरह से इसका पानी निकल जाना चाहिए, दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो देखिए सारी दाल इसमें निकाल ली है, अच्छी तरह से इसका पानी निकलने देते हैं। पूरी तरह से जब इसका पानी निकल जाएगा तो हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से इसका पानी निकल गया है बिल्कुल पूरी तरह से। तो अब हम लेते हैं ग्राइंडिंग जार इस तरह से, और इसमें इसे ग्राइंड कर लेंगे। उससे पहले हम कुछ और चीज़ें इसमें डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमने मिर्च लिया है, इसे डाल देते हैं। अदरक को टुकड़ों में कट कर लिया है, इससे डाल देते हैं। हरी लहसुन है, लहसुन के पत्ते, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे बड़ी में। अगर आपके पास ना हो तो आप लहसुन की कलियों को भी डाल सकते हैं। हरी मेथी भाजी, फ्रेश मेथी भाजी है। अगर आपके पास इस तरह से मेथी भाजी ना हो तो आप कसूरी मेथी का यूज़ कर सकते हैं। डालकर इसे ग्राइंड कर लेते हैं। पहले हम बड़ी के लिए इस तरह से देखिए इसे ग्राइंड कर लिया है। बहुत थोड़ा सा था इसलिए एकदम फाइन नहीं हुआ है ये। तो हम इसमें थोड़ी दाल डाल लेते हैं और इसे ग्राइंड कर लेंगे इस तरह से। इसमें थोड़ी दाल डाल लेते हैं ताकि अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए, पीस जाए, एकदम महीन पीसना है हमें इसे। ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए ग्राइंड कर लिया है इसे, हमें मिक्सर को पल्स में चलाते हुए इसे ग्राइंड करना है ताकि अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट बन गया है इसका। लेते हैं एक बाउल और इसमें निकाल लेते हैं इसे, और सारी दाल को इसी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। सारी दाल इसमें निकाल ली है, तो अब हम इसमें डालेंगे हींग। इसे डाल देते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है हींग से बड़ी में। अब इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अगर आप पहले इसमें मेथी यूज़ नहीं कर रहे हैं, मेथी ग्राइंड नहीं कर रहे हैं, साथ में अगर फ्रेश मेथी नहीं है तो इस स्टेज पर आप इसमें कसूरी मेथी प्रेस करके डाल दीजिए। तो अब हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे, बहुत अच्छी तरह से फेंटना है हमें। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो अब बना लेते हैं इसकी बड़ी। बड़ी बनाने के लिए हमने एक साफ पन्नी बिछा ली है। यहाँ आप चाहे तो एक बड़ी परात में तेल लगाकर भी इस पर बड़ी बना सकते हैं। हमने ये पन्नी बिछा ली, अच्छी तरह से इसे साफ कर लिया, बिल्कुल साफ सुथरी पन्नी है। आटा ले लिया हमने बड़ी वाला, पानी की जरूरत पड़ेगी हमें। तो बना लेते हैं बड़ी। सबसे पहले हम हाथों को थोड़ा गीला कर लेंगे इस तरह से। लेते हैं यहाँ से बैटर, अब इस तरह से कर ये देखिए ऐसे करेंगे, और ऐसे कर इस तरह से हम छोटी छोटी सी बड़ियां बना लेंगे। बड़ियां हमें बहुत बड़ी नहीं बनानी है, ज़्यादा बड़ी अच्छी नहीं लगती है, छोटी छोटी सी बड़ियां ही अच्छी लगती हैं। मेरे यहाँ तो छोटी छोटी बड़ियां ही बनाई जाती है। तो बस ऐसे करके हम बड़ी बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से।
तो देखिए सारी बड़ी बनाकर तैयार कर ली हमने। इसे अच्छी तरह से धूप में सुखा लेंगे। जब ये पूरी तरह से सूख जाएगी तो ये पन्नी से निकल जाएगी, फिर हम इसे पन्नी से निकाल लेंगे। तो अच्छी तरह से इसे 1 से 2 दिन धूप में सुखा लेते हैं। देखिए बड़ी को हमने 3 दिन धूप में सुखा लिया है। इसे पन्नी से निकाल कर हमने इस तरह से एक थाली में रख लिया था, बड़ी थाली में। अच्छी तरह से सूख चुकी है। अब हम इसे एक अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में रख कर पूरे साल स्टोर करके रखेंगे। जब भी घर पर सब्जी ना हो, हरी सब्जी खाने का मन ना हो, तो इस तरह से बड़ी की सब्जी बनाएंगे। बहुत टेस्टी लगती है उड़द दाल की मसाला बड़ी की सब्जी, तो ज़रूर ट्राई करिए। और अगर रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं एक नए रेसिपी वीडियो में ऐसे ही कोई ट्रेडिशनल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।